अस्सलाम वालेकुम, टेक्टिकल इन्फो लैब में खुश आमदेद। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ज़्यादा शॉर्ट है क्योंकि फेसबुक ग्रुप हो, व्हाट्सएप ग्रुप हो या फिर हमारा यूट्यूब का चैनल हो, इस पर बहुत ज़्यादा एक सवाल आ रहा है कि हम विंडोज़ 10 की क्लीन ISO इमेज फाइल कहाँ से डाउनलोड करें। विंडोज़ 10 की ISO इमेज फाइल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से लिंक कॉपी करके अपने गूगल क्रोम में पेस्ट कीजिए और इंटर कर दीजिए। आपके सामने एक पेज खुलेगा मीडिया फायर का, जिसके अंदर आपको विंडोज़ 10 की ISO इमेज फाइल नज़र आ रही होगी। आप इस पर राइट क्लिक करेंगे और डाउनलोड कर लेंगे। दोस्तों ये 5.19 GB की फाइल है, इसके अंदर MS Office भी प्री एक्टिवेटेड है और ये विंडोज़ खुद भी प्री एक्टिवेटेड है। इसके लिए आपको कोई एक्टिवेशन की ज़रूरत नहीं है, आपने सिर्फ करना क्या है कि इसको यहाँ से डाउनलोड करना है, अपने PC में सेव करना है और उसके बाद आपने बूटेबल USB बनानी है। बूटेबल USB किस तरह बनाई जाती है उसके लिए मैंने पहले ही एक वीडियो अपने YouTube चैनल पे अपलोड की हुई है, आप चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं। मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा या फिर आप लोग यहाँ आई कार्ड पर क्लिक करके भी वो वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों बूटेबल USB बनाने के बाद आपने विंडोज़ अपने PC में किस तरीके से इंस्टॉल करनी है उसके लिए भी मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन से जाके वो वीडियो देख सकते हैं या फिर यहाँ आई कार्ड पे क्लिक करके भी आप वो वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों दोनों वीडियोज़ को आप केयरफुली देखिएगा और जितने भी स्टेप्स हैं उनको केयरफुली स्टेप बाई स्टेप फॉलो कीजिएगा। इस तरह आपको मुझे उम्मीद है कोई भी मुश्किल नहीं होगी, ना बूटेबल USB बनाने में और ना ही विंडोज़ इंस्टॉलेशन में। दोस्तों इस विंडोज़ का आपको सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये प्री एक्टिवेटेड है और इसके लिए आपको किसी भी एक्टिवेशन की ज़रूरत नहीं है, और इसके अंदर आपको MS Office भी प्री एक्टिवेटेड मिलता है, जो कि आपको कहीं और से डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको डाउनलोड किस तरह करना है, मीडिया फायर से मोस्टली पीपल को डाउनलोड करना आता है, आपने जस्ट डाउनलोड बटन पर क्लिक करना है और इसकी डाउनलोड प्रोसेस शुरू हो जाएगा। आप अपने PC में कहीं पे भी इसको सेव कर लीजिएगा और उसके बाद जो बूटेबल USB और इंस्टॉलेशन का प्रोसेस आपको बताया है उसी तरीके को फॉलो करके आप अपने PC में इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी और आपको पसंद भी आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमारी वीडियोस दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द अज जल्द मिल सके। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।